केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। देश दुनिया राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। किसानों के विरोध के बाद मोदी सरकार का यू टर्न, पंजाब और हरियाणा में कल से होगी धान खरीद। पंजाब और हरियाणा में धान खरीद को 11 अक्टूबर तक टालने पर किसानों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। सरकार ने रविवार 3 अक्टूबर से ही धान सहित सभी खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका ऐलान किया। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। एलजेपी के चुनाव चिन्ह को इलेक्शन कमीशन ने किया फ्रीज, चिराग पशुपति दोनों नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के पार्टी सिंबल यानी चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों खेमे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोनों को पार्टी सिंबल देने पर अंतिम फैसला 4 अक्टूबर को होगा। दोनों गुटों से 4 अक्टूबर तक जरूरी दस्तावेज लाने को कहा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नाम या उसके चुनाव चिन्ह बंगले का इस्तेमाल करने पर तब तक रोक लगाई गई है जब तक कि आयोग प्रतिद्वंदी समूहों के बीच विवाद का निपटारा नहीं कर देते। सिद्धू बोले, पद हो या ना हो राहुल और प्रियंका के साथ रहूंगा। पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद सुलझता नजर आ रहा है। सिद्धू ने कहा है कि वे गांधी और शास्त्री के सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। चाहे पार्टी में कोई भी पोस्ट रहे या ना रहे, वे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ रहेंगे। कांग्रेस में घमासान पर बोले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ को नहीं बनने देंगे पंजाब। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं बन सकता है। दोनों में कोई भी समानता नहीं है। 25 विधायकों के दिल्ली जाने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि वो विधायक दिल्ली गए हैं, वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं, घूमकर आ जाएंगे। महंत परमहंस की चेतावनी, आश्रम में ही सरयू के पानी को नाक डुबो कर लूंगा जल समाधि। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे महंत परमहंस ने चेतावनी दे डाली है। आज ही रात 12 बजे जल समाधि ले लेंगे। महंत ने आश्रम में ही सरयू के पानी में नाक डुबो कर जल समाधि लेने की घोषणा कर दी है। महंत ने पहले 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करने पर सरयू नदी में जल समाधि लेने की घोषणा की थी। इसे देखते हुए आश्रम के बाहर फोर्स तैनात कर दिया गया है। अब खबर झारखंड से। झारखंड के कई जिलों में अभी होती रहेगी बारिश। बीते गुरुवार से शुरू हुआ गुलाब चक्रवात का असर अब भी झारखंड के कई जिलों में दिख रहा है। खासतौर पर उत्तर झारखंड में इसका गहरा प्रभाव है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर में बनने वाले चक्रवात के बादल टूटकर बंगाल की खाड़ी के निम्न दाब से मिल गए हैं। इस कारण यह उच्च दबाव वाले क्षेत्र बनकर फिर ताकतवर हो गया है और गुरुवार को भी दोपहर के बाद एक बार फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। स्मार्ट सिटी के 218 एकड़ जमीन का होगा ई ऑक्शन। इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को आकर्षक स्कीम। नगर विकास सचिव सह RSCCL के CMD विनय कुमार चौबे ने कहा कि स्मार्ट सिटी के निवेशकों को अपने बिल्डिंग प्लान का नक्शा पारित कराने के लिए रांची नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिल्डर हैं, जानते हैं कि नक्शा पास कराना कितना मुश्किल है। ऐसे में स्मार्ट सिटी में निवेश करने वालों के भवन प्लान विभाग के 3 या 4 एक्सपर्ट की टीम जांच करवा के स्वीकृति कराने का काम करेगी। नगर विकास सचिव शनिवार को होटल BNR आयोजित इन्वेस्टर मीट में ये बातें कह रहे थे। हो जाएं सावधान, वाटर कनेक्शन लेने के बाद आपका बोरिंग हो जाएगा अवैध। अगर आप भी झारखंड में रहते हैं और कैंपस में बोरिंग के साथ वाटर कनेक्शन ले रखा है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि नए नियम के तहत वाटर कनेक्शन लेने वालों का बोरिंग अवैध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको बोरिंग से पानी निकालना बंद कर देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, छापेमारी में पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं एक्ट के तहत फाइन भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, बोरिंग रहते हुए वाटर कनेक्शन लिया तो वह भी अवैध माना जाएगा। गोड्डा की बेटियों के दम पर नेटबॉल में कांस्य। बालिका नेटबॉल टीम ने 26वें सब जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की है।
राष्ट्रीय खिलाड़ी सह झारखंड नेटबॉल बालिका टीम की कोच मोनालिसा कुमारी की अगुवाई में टीम ने बढ़िया खेलकर प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। हाई सिक्योरिटी जोन में होगा रांची स्मार्ट सिटी इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड के नगर विकास सचिव ने गिनाई खूबियां। रांची शहर को एजुकेशनल हब एवं मेडिकल हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्था एवं मेडिकल सेक्टर को विकसित करने की प्राथमिकता दी गई है। रांची शैक्षणिक राजधानी के रूप में विकसित हो इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी के अंदर 21% भूमि शैक्षणिक संस्थानों के लिए रखी गई है। साथ ही अभी हाल में ही लॉन्च की गई नई उद्योग नीति के तहत मेडिकल सेक्टर के निर्माण को ध्यान में रखते हुए नई आकर्षक नीति भी बनाई गई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।